हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैटरनिटी विंग्स इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी पीएनएसटी एवं बीएससी नर्सिंग में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें पढ़कर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरीके से है जो ऑब्जेक्टिव वाइज है, जैसे कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लाल रक्त कण का जीवन काल है 120 दिन का, श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल का जीवन काल है 1 से 4 डेज का, इसी प्रकार मनुष्य का सर्वाधिकतर रक्त समूह है ओ ग्रुप, बीपी मापने का यंत्र स्फीगू मैनोमीटर ब्लड बैंक कहा जाता है, प्लीहा को भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, पित्त स्त्रावित होता है लीवर में, विटामिन ए संचित होता है यकृत में। इसी तरह और भी बहुत पूर्ण प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 से 5 लीटर 1.5 लीटर, जिसे 1.5 लीटर कहा जाता है। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। शरीर का सामान्य तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे 37 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, और केल्विन में 310 केल्विन कहते हैं। इन छोटी छोटी बातों को आपको कोई और वीडियो में नहीं बताया जाएगा, और सूक्ष्म बारीकी से वीडियो को देखने के लिए आगे मैं जल्द ही और भी वीडियो अपलोड करूंगी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे छोटे से चैनल मैटरनिटी विंग्स इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत जल्द और भी वीडियो लेकर आऊँगी जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बीएससी नर्सिंग पीएनएसटी का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए ये छोटी छोटी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को देखना ना भूलें, ना ही स्किप करें, पूरे वीडियो को देखें। आगे और भी क्विज वाले क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों के लिए वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन। फिर से एक और नज़र डाल लीजिए मेरे इस वीडियो में। आगे और वीडियो में दिखने को मिल रहा है, जैसे मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, पैरों में दांतों की हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स, जीवित जीवाश्म कहते हैं साइकस को, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? वह हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी प्रकार और भी मैं वीडियो